नमस्ते, जय श्री कृष्णा। हैप्पी धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे यम के दिए के बारे में। यदि हम घर के प्रवेश द्वार के बाहर धनतेरस वाले दिन यम के नाम का दिया जगाते हैं तो उससे परिवार में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। वैसे तो आप धनतेरस से भाई दूज के दिन 5 दिन तक लगातार दिया जगा सकते हैं, और यदि 5 दिन तक आप नहीं जगा सकते हैं तो कम से कम 3 दिन, 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर दीपावली तक यम का दीपक घर के बाहर जरूर जगाएं। आइए अब बात करेंगे कि यम का दीपक कब और कैसे जगाएं। आप जब धनतेरस वाले दिन धनतेरस की पूजा कर लेते हैं, आपकी पूरी पूजा समाप्त हो जाती है, उसके बाद यम का दीपक लगाएं। जब आपके पूरे परिवार के सभी सदस्य घर में आ चुके हों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आप यम का दीपक लगाते हैं तो उसके बाद, दीपक लगाने के बाद, किसी को भी प्रवेश द्वार नहीं लांघना है, यानी कहीं भी बाहर नहीं जाना है। यम का दीपक सूर्यास्त के बाद जगाएं। ये दीपक चौमुखा होना चाहिए। आप आटे का चौमुखा दीपक बनाएं। अगर नहीं बना सकते हैं तो मिट्टी का दिया भी आप ले सकते हैं, उसमें चारों दिशाओं की बत्तियां लगाएं। इस दिए को आपको दक्षिण दिशा में रखना है, यानी इसका मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। यम का दीपक आप कभी भी घर के अंदर ना जगाएं। घर के अंदर अगर आप यम का दीपक जगाते हैं तो घर में कई समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। सो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। मान्यता यह है कि इससे अकाल मृत्यु टल जाती है। इस दीपक से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। यम दीपक दक्षिण दिशा में जगाना चाहिए, क्योंकि पितरों का निवास स्थान दक्षिण दिशा में ही होता है। यम दीपक जगाने से पितरों को प्रकाश मिलता है। पितरों की असीम कृपा आप पे हमेशा बनी रहती है। यम का दीपक जगाने के लिए आप सरसों का तेल या फिर तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तिल का उपयोग क्या क्या करना है? इस तिल के उपयोग से नकारात्मकता दूर होती है। आइए आगे जानते हैं कि कैसे यम का दीपक जगाना है। सबसे पहले आप जहाँ पे आपको यम का दीपक जगाना है, आप वहाँ पे पानी छिड़क कर जगह साफ कर लें। दिए को गेहूं के दाने या फिर चावल का आसन दे। दिया लगाने से पहले उसके नीचे चावल या फिर जौ के दाने आप बिछा दें। आप पुष्प भी रख सकते हैं। घर के बाहर के जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पर ये दिया प्रज्वलित करना है। इस दिए में क्या क्या डालना है? एक तो काले तिल, एक सिक्का, कौड़ी डालना है। तीन चीज़ें, सिक्का, तिल, काले तिल और कौड़ी। दीपक को प्रज्वलित करने से पहले पानी का छींटा दे। मंत्र का जाप भी करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद उसको रोली चावल से उसका पूजन करना है। हल्दी और चंदन भी आप ले सकते हैं। पुष्प अर्पित करें। मिश्री के 2 दाने या कोई भी मिठाई आपके घर में हो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। दीपक जगाने के बाद इसको पलट के नहीं देखना है, और अगली सुबह इस दिए में से कौड़ी और सिक्का निकाल लेना है। अगर आप आटे का दिया लगा रहे हैं तो आटे को इकट्ठा करके पीपल में आप चढ़ा सकते हैं या गाय को भी खिला सकते हैं। सिक्का आप किसी को दान कर सकते हैं, और कौड़ी पीपल के पेड़ के सामने मिट्टी में आप दबा सकते हैं। अगर मिट्टी के दिए हैं तो भी आप पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं। और कोई भी सामान, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, कोई भी सामान आपको घर के अंदर नहीं लाना है। यम देवता का दीपक आपको जरूर से जगाना चाहिए धनतेरस वाले दिन। यम देवता की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी यूजफुल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। अपना कमेंट ज़रूर करें। आपका एक कमेंट मेरे को मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है आगे बढ़ने के लिए। सो प्लीज़ अपना फुल सपोर्ट करें। हैप्पी धनतेरस वंस अगेन। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।